आलू मटर के पराठे खा करके अगर आप बोर हो गए हैं तो इस विंटर ट्राई करें गोभी के फूले फूले स्वादिष्ट पराठे। सर्दियों में उठाए गर्मा गर्म गोभी के पराठों का लुफ्त तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। टिप्स के साथ परफेक्ट गोभी का पराठा बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्वादिष्ट और मज़ेदार सी गोभी के पराठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोभी का पराठा बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, तो प्लीज़ वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम लेंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को गून लेंगे। तो यहाँ पे हमने ना तेल घी कुछ भी नहीं डाला, उसके बाद भी हमारा गोभी का पराठा बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक आटा गून लेना है, थोड़ा नरम ही आटा गूनेंगे, सख्त आटा नहीं गूनना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और सॉफ्ट डो बना करके तैयार करें। बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है डो को, बस इतना कि स्टफिंग अच्छे से भरी जा सके, इसलिए आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें, रोटी के आटे से थोड़ा ज़्यादा ही। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, उसके बाद डो बना लेंगे। और ये देखिए हमारा आटे का डो बन करके तैयार हो गया। तो बस अभी हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट ही हमने गूंदा है, तो आपको भी इसी तरीके से आटे को गूंदना है, तभी आपके गोभी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो बस अभी हम ढक करके रख देते हैं आटे को रेस्ट करने के लिए। तब तक अभी हम गोभी लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम गोभी। गोभी को अच्छे तरीके से धो लिया था, धोने के बाद हमने काट लिया। फिर उसके एक बर्तन में पतीले में नीचे पानी रखेंगे, ऊपर से जाले में गोभी को रख देंगे और ढक देंगे। गैस को तेज करेंगे, 5 मिनट तक हमें भाप देना है। सिर्फ 5 मिनट तक भाप में पकाना है, उसके बाद गोभी को ठंडा कर लेंगे। तो हमने फ्रिज में रख दिया था, गोभी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, अभी इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो आपके पास इस तरीके से ग्रेटर हो तो बारीक ग्रेटर जो होता है ना, उससे ही हम ग्रेट करेंगे, जिससे हमारे गोभी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आपके पास हो तो इससे भी आप ग्रेट कर लें। तो जितना आप बारीक छोटा ग्रेट करेंगे ना, आपके गोभी के पराठे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये लीजिए हमने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे गोभी ग्रेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही पतला वाला ग्रेट किया है। तो अभी हम एक डो लेंगे और उसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। उसके बाद जो हमने ग्रेट गोभी को किया था ना, कद्दूकस किया था गोभी को, उसे इसमें हम डाल देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी गोभी में है वो इस तरीके से करने से निकल जाता है। तो इस मेथड को ज़रूर करें, तभी आपके गोभी के पराठे बहुत ही सॉफ्ट और फटेंगे नहीं। तो ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया है और ये देखिए ड्राई सूखी हमारी गोभी ये तैयार है। देखिए ना कितना अच्छे तरीके से गोभी ड्राई हो चुकी है। तो बस इसमें हम मसाले डालेंगे और पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया एक मीडियम साइज़ की गाजर और गाजर को हमने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और अभी इसमें हम डालेंगे धनिया। तो 2 चम्मच हरी धनिया हमने डाला है, आप ज़्यादा धनिया भी डाल सकते हैं। और अभी इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का। तो 1 चम्मच हमने डाला है ग्रेट करके। और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच और ये है कुटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे तीखा आप अपनी पसंद या टेस्ट अनुसार ही डालें, अगर खाते हो तो ही डालें। तो 3 हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाला है। 1 चम्मच अजवाइन का डालेंगे, उसे भी हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे गोभी के पराठे को बहुत ही ज़्यादा लाजवाब स्वादिष्ट बना देगा। तो यहाँ पे हमने लिया है सत्तू, तो सत्तू अगर आपको आसानी से मिले तो ले लें। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 2 चम्मच हमने डाला है सत्तू। अगर आपको सत्तू नहीं मिलता है तो भुने चने जो होता है ना, उसे भी आप पीस करके 2 चम्मच डाल लेंगे। तो जो भी अगर एक्स्ट्रा पानी छोड़ता है गोभी तो अच्छे से वो सोख लेगा। और हाथों से अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम मिला लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल चुके हैं और आटा भी हमारा रेस्ट हो चुका है। बस हाथ में थोड़ा तेल लगाएं और आटे को गूंद लेंगे और हम इस तरीके से लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ी लोई ली है, अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो छोटी लोई का ही पराठा बनाएं। और लोई को इस तरीके से घुमाते जाएंगे जिससे लोई हमारी बड़ी हो जाएगी और स्टफिंग भरने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लें और ये देखिए कटोरी का शेप बन गया ना। तो बस अभी हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे। आप इस तरीके से अगर गोभी का पराठा बनाते हैं ना, तो आपका गोभी का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। तो बस स्टफिंग को हम भरेंगे। तो यहाँ पे जितना आप आसानी से भर सके उतना आप स्टफिंग को भरें। तो यहाँ पे हम
दो से ढाई चम्मच डालेंगे स्टफिंग को। तो यहाँ पे हमने बड़ा पराठा बनाया है, तो अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये तो बराबर है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटा पराठा ही बनाएं। तो यहाँ पे हमने ढाई चम्मच स्टफिंग भरी है और इस तरीके से घुमाते हुए सारे मिक्सचर को अच्छे से दबा देंगे और फिर इधर से लोई को दबाते हुए सबको अच्छे तरीके से पैक कर लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पैक हो गया, और बस हल्का सा मोड़े और खींच लें। तो इस तरीके से ही आप पैक कर दें और हाथों से हल्के से प्रेस कर दें और बस ऐसे घुमा दें। और अभी हम लेंगे सूखा आटा, तो बस ये देखिए सूखा आटा से हम अच्छे तरीके से डस्ट करेंगे जिससे हमें पराठा बेलने में आसानी रहे। और इस तरीके से आप घुमा घुमा के थोड़ा बड़ा कर लिया, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ठीक है, इसके अलावा आप हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे ना तो भी बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सूखा आटा लगा ले और हाथों से हल्के हाथों से इस तरीके से करते जाएंगे ना, घुमा घुमा के दबाते जाएंगे ना, प्रेस करते जाएंगे, तो आपका पराठा अच्छे तरीके से पूरे तरह लेयर सब सारे स्टफिंग अच्छे तरीके से भर जाएगी। तो इस तरीके से जब भी कभी भी आप स्टफिंग का पराठा बनाएं तो ये प्रोसीजर ज़रूर करें। तो हाथों से एक बार अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद बहुत ही ध्यान से अभी आपको बेलना है, तो बस हल्के हाथों से बेलन चलाएं, इस तरीके से घुमाते जाएं पराठे को और किनारे से बेलते जाएं। बीच में आपको नहीं भरना, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़ोर दे करके बेलन से पराठे बेलेंगे ना तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। और देखिए मैंने यहाँ कितना बड़ा पराठा बनाया है और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। इतनी अच्छी तरीके से हमारे स्टफिंग का पराठा बन करके तैयार। ये देखिए हमने काफ़ी रेगुलर पराठे से ज़्यादा मैंने इसे भरा है। तो बस इस तरीके से आपको किनारों पे बेलना है हल्के हाथों से। और ये देखिए हमारा गोभी का स्टफिंग पराठा बेल करके तैयार है। तो बस ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है कहीं से भी। तो बस चलिए हम पराठे को सेक लेते हैं, तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है, तवा हमारा गरम हो चुका है। तो बस हम पराठे को डालेंगे और कुछ सेकंड के बाद ही हम पलटेंगे। जब आपको लगे अच्छे तरीके से ऊपर से पराठा ड्राई हो गया तभी पलटें, चेक कर लें कि अच्छे तरीके से एक तरफ से पक जाए, उसके बाद ही आपको इस तरीके से पलटना है। फिर उसके बाद घी तेल या सरसों के तेल से आप पराठा बना सकते हैं, तो राई के तेल से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और राई का तेल तासीर गर्म होती है तो ठंड के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है। तो बस उधर भी हम अच्छे तरीके से पकने देंगे उसके बाद ही पलटेंगे। आपने कभी देखा है गोभी का पराठा फुला फुला? नहीं देखा ना तो मेरी आज की रेसिपी में आप देखिए, तो बहुत ही सॉफ्ट और फुले फुले आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बस आपको अक्सर आए दिन आप गोभी के पराठे आपके डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट में बनने वाले, क्योंकि बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए हमारे फुले फुले स्वादिष्ट स्टफिंग वाले गोभी के पराठे बन करके तैयार हैं। बस आपको इसे पूरी चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा करके सेकना है कि जैसे सारी तरफ से पराठे अच्छी तरीके से सेक जाए और कच्चे ना रहे। मीडियम गैस की फ्लेम पर पराठे को सेकें, तभी वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्रंची और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए पराठे को सेक लिया है। गोभी के पराठे में स्टफिंग इतनी अच्छी तरीके से भरी गई कि इसके साथ ना किसी सब्जी की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर अचार या दही के साथ या चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आप सारे प्रोसीजर करके रखें और फ्रिज में रख दें, फिर जब आपकी मर्जी हो सुबह फटाफट आप इस तरीके से आटा गूंदे और बच्चों को इस तरीके से गोभी का पराठा बना करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में, बहुत ही बच्चे खुश हो जाएंगे। और ये लीजिए हमारा गोभी का पराठा बन करके तैयार है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हमने पराठे को सेक लिया है, तो बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे तरीके से सिका है गोभी का पराठा। देखिए मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरीके से स्टफिंग पूरी भरी गई है, हर एक कोने पे पराठे की स्टफिंग आपको दिखाई दे रही है। गोभी के पराठे की मैंने आपके साथ बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी शेयर करी है। आपने इस तरीके से गोभी के पराठे अभी तक नहीं बनाए होंगे, तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है ना गोभी के पराठे की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें।
मुझे पूरा यकीन है, एक बार आप इस तरीके से गोभी के पराठे बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, सिर्फ देखिए नहीं प्लीज़ बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके गोभी के पराठे कैसे बने। जल्दी मिलते एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।